हम बचपन के दिनों से पाले जी बिस्कुट खाते आ रहे हैं। हम क्या, हमारे मम्मी पापा भी यही खाकर बड़े हुए हैं। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। नहीं बदला तो एक समय में दुनिया का सबसे मशहूर बिस्कुट रहा पाले जी का पैकेट। हालांकि पाले ने उसके बाद कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में उतारे, लेकिन उन्होंने ओरिजिनल पाले जी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। इस बिस्कुट के साथ पिछली दो पीढ़ियों की यादें जुड़ी हुई हैं। इस बिस्कुट के कवर पर दिखने वाली बच्ची को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी रही है। इस फोटो वाली बच्ची के लिए तीन महिलाओं के नाम का दावा किया जाता रहा है, मतलब तीन लोगों के बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो इस फोटो में दिख रही हैं। इस कंट्रोवर्सी पर विस्तार से बात करेंगे। पहले ये जान ले कि ये बच्ची कब से इसके कवर पर दिख रही है। बैके विले पाले में रहने वाले एक चौहान परिवार ने साल 1929 में पाले नाम की कंपनी शुरू की। शुरुआत में सिर्फ कन्फेक्शनरी मतलब केक, पेस्ट्री और कुकीज जैसी चीजें बनाकर बेचते थे, लेकिन मार्केट में डिमांड थी बिस्कुट की और वो पूरी कर रही थी ब्रिटिश कंपनियां। साल 1939 से पाले ने इंडिया में ही बिस्कुट बनाकर उसे बेचना शुरू कर दिया। गाड़ी चल पड़ी। 1980 तक ये पाले ग्लूको बिस्कुट के नाम से आती थी, बाद में इसका नाम बदल कर रख दिया गया पाले जी। समय के साथ जिस जी का माने ग्लूकोज हुआ करता था वो बदल कर हो गया जीनियस। साथ ही इसके कवर पर दिखने वाली फोटो भी बदल गई। पहले इसके कवर पर गाय और ग्वालन बनी होता थी, लेकिन बाद के दशक में उस ग्वालन को इस प्यारी सी बच्ची ने रिप्लेस कर दिया। ये कंपनी की प्रमोशनल स्ट्रेटजी थी। इसके रैप का कलर शुरू से ही सफेद और पीला रहा है, लेकिन इसके ऊपर दिखने वाली बच्ची को लेकर बहुत बार बहस हो चुकी है। नीरू देशपांडे, सुधा मूर्ति, आईटी इंडस्ट्रियलिस्ट नारायण मूर्ति की पत्नी और गुंजन गंगानिया नाम की तीन महिलाओं के इस बच्ची होने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन मीडिया में नीरू देशपांडे को ही ये बच्ची माना गया है। नीरू के इस फोटो के पीछे की कहानी ये है कि जब वो 4.5 साल की थी तब उनके पापा ने ये फोटो खींची थी। वो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं थे, लेकिन उनकी खींची इस फोटो को जिसने देखा उसने पसंद किया। इन्हीं चक्रों में ये फोटो किसी ऐसे आदमी के हाथ लग गई जिसकी पाले वालों के साथ जान पहचान थी, और इस तरह से उन्हें पाले के पैकेट पर फीचर होने का मौका मिल गया। हालांकि नीरू अब 62 साल की उम्र दराज महिला हो चुकी हैं।